हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो मैं रोज़ की तरह एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो ये मेरी सबसे पहली ट्रिक है अदरक को लेकर। जो ये आजकल अदरक आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी औषधि का काम करता है और इस अदरक का हमें सेवन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि आजकल गला दुख रहा है, ठंड हो रही है और नज़ला जुकाम बुखार खांसी हो रही है। तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छी रेमेडी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अदरक को छील लिया है और अब इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। और इसको बारीक ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद हमें इसका जो इसका जूस निकालना है। और इस तरीके से हम अदरक का हमने ग्रेट करके अब इसका जूस निकालेंगे। और इस तरह से इकट्ठा करने के बाद इसे दबा दबा कर इसका हमें जूस निकाल लेना है। हमें बर्तन कुछ इस तरह का गहरा लेना है, जैसे कि चमचा या कटोरी होती है। और इसमें हमने अदरक के जूस को निकाल कर अब इसमें हम सूनों का हनी मिला देते हैं। जो शहद होता है ना, ये गले के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अदरक और शहद का हमें एक पेस्ट बना लेना है। इसको हम घोल लेते हैं। इसमें एक चम्मच हमने अदरक का जूस लिया है और एक ही चम्मच हमने शहद लिया है। और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। और इस तरीके से आपको अपने शहद और अदरक का एक घोल बनाएंगे। और इसको हमें एक या डेढ़ चम्मच ले लेना है रात को सोते समय, दोपहर को और सुबह को भी खाली पेट ले सकते हैं। और इसके लेने के बाद एक घंटे तक कुछ भी ना पिए। तो इससे जो हमारा गला और खांसी और धसका होता है ना, बलगम, गला दुखना, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसे ज़रूर से सेवन कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी, जो छोटे बैंगन होते हैं ना, तो इनको लेकर। तो हमने ये छोटे बैंगन धोकर ले लिए हैं। बैंगन साफ़ और ताजे होने चाहिए और धोकर हमने इन्हें सुखा लिया है। और अब इन्हें हम चॉप कर लेते हैं। और इन्हें हमें इस तरह से कट का निशान लगाना है। जो छोटा बैंगन होता है तो उसमें सिर्फ एक निशान लगाना है और इस तरह से हमें चेक कर लेना है कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। और बैंगन को हम इस तरह से कट लगाते जाएंगे। और जो बड़ा बैंगन होता है उसको हम प्लस के निशान में कट लगाएंगे। तो ये भी हमने ऐसे ही रखा है कट करके। अब दूसरे, ये बड़ा बैंगन है तो इसमें हम प्लस के निशान में कट लगाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। तो आप मुझे बताइए कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने बैंगनों को चॉप कीजिएगा। हमने सारे बैंगन चॉप कर लिए हैं, यानी कि इनमें कट का निशान लगा लिया है। तो अब हम इसके लिए मसाला ले लेते हैं। डेढ़ चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और हमने आधा चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हैं। और हमने आधा चम्मच हल्दी, और खटाई के लिए हमने जो ये हींग का अचार होता है ना, तो इसे काट करके हम ले लेते हैं, क्योंकि बाहर की जो खटाई आती है वो मिलावट वाली आती है। तो आम के दिनों में आप अपनी खटाई को इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। हींग का अचार बनाकर उन्हें सब्जियों में यूज कर सकते हैं। और मैंने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसमें एक चम्मच मैंने ऑयल डाला है। और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसमें मैं एक हरी मिर्च भी काट करके डाल देती हूँ। तो इसको भी हमें बारीक बारीक काट करके डाल देना है। और इसी सभी मसाले को मिक्स करके अब बैंगन के अंदर हम थोड़ा थोड़ा भरते जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये छोटे भरवा बैंगनों को बनाना है। और इसी तरीके से मैंने ये धीरे धीरे करके सारे बैंगनों को भर लिया है। और बस अब इन्हें हम कढ़ाई में छौंक देते हैं। हमने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है और उसमें हमने ऑयल डाला है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, मैंने ये रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इसमें मैंने एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी एक पिंच हींग ऐड की है। और ये मैंने आधा चम्मच कसूरी लाल मिर्च डाली है। अब इसमें मैं बैंगनों को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि और मसाले तो इसमें सब है ही। और इन्हें अच्छे से फ्राई करके बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने प्लेट को ही धोकर डाल दिया है। तो इससे मसाला भी इसमें आ गया है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऊपर से ऐड कर देते हैं और बस इसकी लिड हम लगा देते हैं। और इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर बैंगनों को बनाएंगे और बीच बीच में हम इन्हें चलाते जाएंगे। और बैंगन को हमें हल्के आंच से ही चलाना है, ताकि बैंगन हमारे टूटे नहीं। तो
इस तरह से हमें दो तीन बार इसे चलाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है या लो टू मीडियम कर देना है। और बैंगन हमारे बनकर के तैयार हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन बने हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आप ऐसे बैंगन की सब्जी से आप दो की जगह चार रोटी खाएंगे और आपका पेट भी अच्छे से भरेगा, स्वाद आएगा। तो इस तरह से आप भरवा बैंगन की सब्जी को बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। यदि फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए जो आपको अपने काम को आसान कर दे और आपके समय की बचत हो तो कितना अच्छा होता है। और मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अदरक और शहद वाली जो रेमेडी हमने बनाई है उसे ज़रूर से बनाइएगा और उसे आप भी लीजिएगा और अपने बच्चे को भी दीजिएगा, तो आपका गला और खांसी और नज़ला जुकाम सबसे राहत मिलेगी और ये ज़रूर से करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।